नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इन दिनों लॉकडाउन में दुश्वारी का सामना यूं तो हर इंसान कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मजदूर तबके के लोगों को उठानी पड़ रही है। वहीं अब इस मुद्दे पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से फिर से तुरंत मदद की अपील की है। सोनिया गांधी ने PPE किट की कमी और खराब गुणवत्ता को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने PPE किट की खराब क्वालिटी पर चिंता जाहिर की और साथ ही कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग अभी बहुत कम संख्या में हो रही है, यह काफी गंभीर बात है। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमने बार बार प्रधानमंत्री से कहा है कि टेस्टिंग का कोई विकल्प नहीं है, इसके बावजूद भी टेस्टिंग कम हो रही है और PPE भी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। हमने काफी सुझाव दिए, लेकिन सरकार ने उनको अमल में लाने के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखाई। बैठक में सोनिया गांधी ने मांग करते हुए कहा कि गरीबों, खासकर मजदूरों, किसानों के खाते में तुरंत 7500 रुपए ट्रांसफर किए जाने चाहिए। मजदूरों को खास सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। सोनिया ने कहा कि हमें कोरोना वॉरियर्स को सलाम करना चाहिए, क्योंकि तमाम हेल्थ वर्कर्स जो बिना जरूरी मेडिकल उपकरण के भी फील्ड पर काम कर रहे हैं। साथ ही किसानों का मसला उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश के किसान सबसे अधिक परेशान हैं। कमजोर और अस्पष्ट खरीद नीतियों के अलावा सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों ने किसानों को बेहाल कर दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रवासी मजदूर अब भी फंसे हुए हैं, बेरोजगार हैं और घर लौटने को बेताब हैं। वह सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। फिलहाल क्या मोदी सरकार सोनिया गांधी के इन सुझावों पर ध्यान देते हुए गरीब तबके की कुछ मदद करेगी?